अगर आप भी ओप्पो के फ़ोन को अनलॉक कराने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखे बिना स्किप किए हुए गारंटी देता हूँ आपका फ़ोन अनलॉक होगा। बाकी आपको YouTube पर लाखों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें से 99.99% वीडियो फेक होते हैं, वो वीडियो कोई काम का नहीं होता। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओप्पो के फ़ोन अनलॉक करने के लिए दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन अनलॉकिंग करने वाले फ्रॉड से कैसे बचे, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा बढ़िया से देखना होगा। वीडियो में हम ओप्पो के क्वालकॉम सीपीयू वाले दो फोन को अनलॉक करेंगे और यही दो मेथड है ओप्पो के क्वालकॉम सीपीयू को फोन को अनलॉक करने के लिए। बाकी यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो मिलेंगी, बाकी इस मेथड दोनों मेथड को छोड़ के जो भी मेथड है सभी के सभी फेक मेथड है, वो कोई काम का नहीं होता, सिर्फ व्यू कमाने के लिए और पैसा ठगने के लिए। अभी जो ये मेरे वेबसाइट gsmduniya.com पे जो सामने नंबर और क्यूआर कोड दिख रहा है, ये सिर्फ पेमेंट का नंबर है, मैंने जानबूझकर ब्लर किया है क्योंकि इस पे आप कॉल या मैसेज ना करें जब तक वीडियो आप पूरा ना देखें। ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप नहीं करना, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। पहला मेथड में हम जानेंगे बिना कंप्यूटर के ओप्पो का क्वालकॉम सीपीयू वाले फोन को कैसे अनलॉक करेंगे। हम यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, इसके लिए आप सर्च करेंगे ओप्पो A5 2020 लॉक कैसे तोड़े, तो उसके लिए दो नंबर में ये देख सकता है, मेरा जीएसएम दुनिया का वीडियो डाल चुका है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ी सी वीडियो है, अगर आप ये ट्राई कर चुके हैं तो एक मिनट के लिए आप वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं ये ओप्पो के फोन है, इसमें हम इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करके इंजीनियरिंग मोड में जा सकते हैं। जब हम इमरजेंसी कॉल पे *#899# डाल करते हैं ना, तो हमारा इंजीनियरिंग मोड खुल जाता है। इंजीनियरिंग मोड से हम सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह जान सकते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर वर्जन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह बताया जाएगा। ये ओप्पो का CPH 1933 है, ओप्पो A5 2020। इसको बिना कंप्यूटर को हार्ड रीसेट करने के लिए फोन को पहले स्विच ऑफ करना होता है। स्विच ऑफ कर लेने के बाद वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखना होता है रिकवरी मोड में ले जाने के लिए। तो यहाँ पे रिकवरी मोड में आ चुका है, हमें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आपको अगर चाइना आता है तो चाइना भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वाइप डाटा पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टच यूज भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे पावर बटन भी सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन और अप दोनों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना, फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके पर प्रेस करना। अगर यहाँ पे फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपसे अगर मोबाइल का पासवर्ड मांगा जाता है यहाँ पे अगर अनलॉक नहीं होता तो उसके लिए वीडियो को आगे अंत तक देखते जाए। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, अभी देख सकते हो ओके का ऑप्शन आ गया। ओके पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होने के बाद आपको कुछ सेटअप करने होते हैं, वो लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करके इंडिया वगैरह। और अगर वहाँ पे सिलेक्ट करने में सेटअप करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सेटअप नहीं हो रही है, वहाँ पे स्क्रीन लॉक का पासवर्ड मांग रहा है या फिर ईमेल आईडी मांग रही है पुरानी वाली, तो आपको कांटेक्ट करना होगा हमसे। व्हाट्सअप नंबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी हम आपका फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कांटेक्ट करना हमें और क्या चीज़ को फॉलो करना है कांटेक्ट करने से पहले। तो उसके लिए पूरा वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। अगर आपका फ़ोन रीसेट बिल्कुल भी नहीं होता, FRP भी नहीं होता, तो आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है, ठीक है। पहली मेथड कंप्लीट हो चुकी है, आप दूसरी मेथड के लिए आपको सॉफ्टवेयर वर्जन का फोटो हमें देना होगा। आपको देख सकते हैं ये इस तरह से IMEI नंबर, सॉफ्टवेयर नंबर और PCB वर्जन सबका फोटो और आपके कंप्यूटर में आपके फ़ोन का फाइल डाउनलोड करना होगा और इसके लिए पेमेंट करना होता है। पेमेंट क्या करना, कितना करना होता है और उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। और व्हाट्सअप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से कंप्यूटर से कनेक्ट होकर आपके फ़ोन को फ्लैश करेंगे और फ्लैश कंप्लीट होने तक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आपके मन में डाउट होता होगा ना पेमेंट कैसे लोगों को करें कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचे, ठीक है, तो सबसे पहले पेमेंट करने से पहले आपके उसके बारे में ना आपको जानना होगा, यूट्यूब पे चैनल के बारे में जानना होगा, उसका कमेंट पढ़ना होगा, कैसा कमेंट है, वो कितने दिनों से काम करता है। पेमेंट के लिए अगर वो कोई QR कोड देता है तो पेटीएम ना करे, पेमेंट ना करे, उससे कॉल पे बात करके देखे, उसका हो सके तो मोबाइल नंबर ले और मोबाइल पे कॉल करके देखें और हो सके तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स ले। बैंक अकाउंट का डिटेल्स लेने में अगर काम नहीं करता वो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं बड़ी आराम से, और उसका सही जानकारी ले, डिटेल्स ले, तभी आप उसको पेमेंट करें। ऐसे पेमेंट ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होती है ऑनलाइन में, तो ऐसे आँख मूंद कर किसी पे विश्वास ना करें। अगर कोई सस्ता में अनलॉक करने के लिए रेडी हो जाए तो इस तरह से आप ना फंसें, भले आराम से ना कराएं, कहीं भी आप ऐसे फ्रॉड लोगों को पेमेंट ना करें पहले जब तक कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी ना ले लें, उसके वेबसाइट पे फीडबैक पड़ी है, ठीक है।
अगर आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता तो क्या होगा, फिर आप बोलेंगे पेमेंट करने के बाद। तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता तो कोई किसी कारणवश हो सके अनलॉक नहीं हुआ, तो उसके बाद हम आपका पेमेंट फुल्ली रिफंड करेंगे आपके दिए गए नंबर या क्यूआर कोड पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी फ़ोनों को फ्लैश नहीं करना आँख मूंद कर, फ़ोन वही फ्लैश होंगे जो हार्ड रीसेट नहीं हो पाएंगे। हार्ड रीसेट हो जाने के बाद जब आगे लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन आती है और वहाँ पे बाद जब सेटअप नहीं होता, लास्ट में पुराने वाले ईमेल आईडी मांगती है, तो उस कंडीशन में आपको फ़ोन को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कंप्यूटर या लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मिनट के बाद, समथिंग 10-15 मिनट के बाद आपकी फ़ोन की फ्लैशिंग डन हो चुकी है। यहाँ पे टूल पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टूल डन हो चुकी है। हम टूल को क्लोज कर देंगे और उनके पास वीडियो कॉल करेंगे जिनका मैंने अभी फ़ोन अनलॉक किया, वो दुकानदार भाई साहब हैं, उनको हम वीडियो कॉल पे लेंगे। ये देख सकते हैं, उनको वीडियो कॉल कर लिया बैक कैमरा करके, वो हमें फ़ोन दिखाएंगे जो भी फ़ोन फ्लैश हुई है, डन हुई है। तो वो फ़ोन अभी रीस्टार्ट हो रहा है और फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे उसका, यहाँ पे रीस्टार्ट की प्रोसेसिंग में है फ़ोन। तो यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होता है सेटअप करेंगे और सेटअप करने के बाद उनसे हम पिक मांगेंगे। तो इस प्रकार से फ़ोन फ्लैशिंग होती है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे यूज करना है, मतलब कैसे कॉन्टेक्ट करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम कॉल पर बात करके आपको बता देंगे। टीम व्यूअर से कैसे कनेक्ट करना है, तो टीम व्यूअर से कनेक्ट करने का वो मेरा काम है, आपको बस कंप्यूटर में टीम व्यूअर डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसका आइडिया नहीं है, तो आप उसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको वीडियो लाखों मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन डन हो चुके हैं। और बता देते हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है और उनका फ़ोन हार्ड रीसेट भी नहीं हो रहा, तो उनका फ़ोन ऐसे नहीं हो सकता। बाकी आप किसी इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, आप किसी दुकान या सर्विस सेंटर जाके अनलॉक करा ले, नहीं तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी, कहीं भी पैसा आपसे लूटा जा सकता है। तो यहाँ पे अनलॉक हो जाने के बाद आपका फ़ोन देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आना वहीं पे जहाँ से आपने मेरा नंबर लिया, नीचे लिंक दिया उसी पे नीचे कमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग अपने कमेंट दिए हुए फ़ोन अनलॉक कराने के बाद, उनका सर्विस कैसा लगा, जीएसएम दुनिया का सर्विस कैसा लगा, वो सब यहाँ पे कमेंट किया हुआ, तो आप पढ़ के भी विश्वास कर सकते हैं यहाँ पे हमसे। और यहाँ पे कमेंट खुद का भी कर सकते हैं नीचे, अगर गूगल से लॉग इन करके रखते हैं तो यहाँ से आप खुद का कमेंट कर सकते हैं अनलॉक कराने के बाद। तो आप कमेंट जरूर करें फ़ोन अनलॉक कराने के बाद, आपको कैसा लगा सर्विस, फ़ोन अनलॉक हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट है कमेंट पर, आपको कमेंट जो भी लिखना आप लिख के पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नॉलेज बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।